अब आपको बताते हैं कि 13 मई को चौथे चरण में मध्य प्रदेश में किन किन सीट पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। इंदौर, उज्जैन और धार में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा खरगोन, देवास, मंदसौर में वोटिंग होगी। रतलाम और खंडवा में भी वोट डाले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए, ये आखिरी चरण है लोकसभा चुनाव का, 8 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इन 8 सीटों पर अपना पूरा जोर बड़े बड़े नेताओं ने लगा लिया है। ये सीटें जो हैं वो आप देख रहे हैं, उनके नाम भी, रतलाम है, खंडवा है, खरगोन है, देवास है, मंदसौर है, इंदौर है, उज्जैन है, धार है, जहां पर वोटिंग डाली जाएगी। चुनाव के मुद्दे क्या हैं? हवाई सेवा का विस्तार, आउटर रिंग रोड, फ्लाईओवर, ये चुनाव के मुद्दे हैं। इंदौर लोकसभा सीट के लिए हम हर लोकसभा सीट का जो मुद्दा है वो भी आपको बता रहे हैं। इंदौर लोकसभा में तो कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं, जैसे ही जुड़ते जाएंगे हम कनेक्ट भी करते जाएंगे। रतलाम से सुधीर जैन, फिलहाल जो मुझे समझ आ पाया है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पटवा, जिन्हें अजय पटवा, माफ कीजिएगा, अजय पटवा जुड़ चुके हैं उज्जैन से। रतलाम का रुख कर लेते हैं। सुधीर, जरा बताए, वहां पर अब चुनाव के प्रचार का शोर थम गया है, आखिरी घंटों में किस तरह की गहमा गहमी यहाँ देखने को मिली और अब क्या करेंगे नेताजी? देखिए नेताजी, अब डोर टू डोर चुनाव का प्रचार करेंगे। इसके पहले जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज रतलाम में रोड शो किया था, साथ ही साथ जो जावरा विधानसभा है वहाँ भी आज जो मुख्यमंत्री है उन्होंने रोड शो किया था और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके समर्थन के लिए, जनता के वोट जुटाने के लिए सीएम ने आज जमकर अपील की। इसके पहले रतलाम जिले के अगर वर्णन की बात करूँ तो सीएम यहाँ पर करीब करीब 5 रोड शो और आम सभाएं कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पहुँचे थे, जगदीश देवड़ा जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पे पहुँचे थे, साथ ही साथ तुलसी सिलावट भी रतलाम के रण में नजर आए थे। तो कुल मिला के एक आदिवासी सीट कही जाती है, कांग्रेस का परंपरागत गढ़ भी इस सीट को कहा जाता है, क्योंकि जब भी मध्य प्रदेश में चुनाव का जिक्र होता है तो छिंदवाड़ा के बाद अगर किसी लोकसभा सीट का जिक्र होता है तो वो रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर सीट है। तो कहीं न कहीं इस सीट पर कांग्रेस ने भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी समय में दिग्विजय सिंह पहुंचे थे, साथ ही साथ जीतू पटवारी भी इस सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए थे। 8 विधानसभा सीट लगती है इस पूरे संसदीय क्षेत्र में, जिसमें 4 विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पे नजर आ रही है और कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहाँ पर कोई भी कसर छोड़ते हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और जहां तक मतदाताओं की बात है तो कसर जाहिर तौर पर नहीं छोड़ी गई होगी। और उज्जैन से अजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, उज्जैन का हाल बताए, हालांकि ये सीएम का गृह क्षेत्र है, ऐसे में तो वहां पर ये कहा गया है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी ही है, लेकिन जमीन पर क्या हकीकत है जरा बताए। जी देखिए, आज जो है चुनाव प्रचार थम गया है और जिस तरीके से अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से मुलाकात करेंगे, जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन उज्जैन का सबसे बड़ा मुद्दा है शिप्रा नदी। जिस तरीके से शिप्रा में जो गंदे नाले मिल रहे हैं और जो दूषित पानी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस बार बार उस मुद्दे को उठा रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री का गृह नगर है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने 7 से 8 बार यहाँ पर उज्जैन जिले की जितनी भी विधानसभा आती है सभी दूर जाकर जनसभा की है और रैली भी निकाली है, जिसके बाद में जो है जनता से आशीर्वाद भी मांगा है और जो है जनता पर भरपूर विश्वास है उनको, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। और इस बार जो है जनता जिस तरीके से जो देखने में आ रहा है कि महेश परमार के सामने अनिल फिरोजिया दूसरी बार मैदान में है, क्योंकि 2018 में अनिल फिरोजिया और महेश परमार विधानसभा चुनाव में आमने सामने थे, जिसमें महेश परमार ने अनिल फिरोजिया को हार दिलाई थी और इसके बाद महेश परमार विधायक बने थे। वही 2019 में फिर अनिल फिरोजिया सांसद का चुनाव लड़कर जीतकर जो है सांसद पहुंचे थे। यहाँ पर इस बार फिर 2023 में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें महेश परमार दूसरी बार के विधायक है। अब ये मौका है कि महेश परमार और अनिल फिरोजिया आमने सामने है और कांटे की टक्कर है, क्योंकि दोनों ही जमीनी नेता है। ऐसे में देखना होगा कि अब जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा, क्योंकि उज्जैन जो है
बीजेपी का गढ़ तो माना जाता है, पर जिस तरीके से महेश परमार भी जमीनी नेता है और अनिल फुलझे भी जमीनी नेता है, दोनों की पकड़ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, तब देखना ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ठीक है अजय, अब इंदौर का भी हाल जान लेते हैं। इंदौर की तो अलग ही लड़ाई है मिथिलेश, यहाँ पर नोटा वर्सेस शंकर लालवानी क्या चल रहा था फिलहाल आखिरी के इन घंटों में, किस तरह से कांग्रेस ने अपने अभियान को आगे बढ़ाया, बीजेपी ने किस तरह से फाइट की, जरा बताएं। देखिए इस वक्त मैं इंदौर के क्लॉथ मार्केट में मौजूद हूं और सबसे पहले एक तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि इस वक्त आप देखेंगे तो इंदौर की सड़कों पे सफाई चल रही है, बैनर पोस्टर जो भी थे चुनावी सब हटाए जा रहे हैं और इन तस्वीरों से समझ सकते हैं आपके कुछ देर पहले यहाँ पर एक बड़ा रोड शो हुआ था, वो बड़ा रोड शो था प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। कुछ मिनट पहले ही वो यहाँ पर मौजूद थे और इसी मंच से जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अब यहाँ पे जो स्पीकर लगे हुए थे, जो साउंड बॉक्स लगे हुए थे, सब कुछ हटाया जा रहा है क्योंकि प्रचार प्रसार अब थम चुका है। आखिरी मिनट में, आखिरी समय में मुख्यमंत्री ने जमकर कांग्रेस के बयानों पर ही कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान से लेकर मणिशंकर के अय्यर का जो बयान था, वहां से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जब इंदौर से चुनाव नहीं लड़े थे, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा 80 साल के जो प्रत्याशी वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन 50 साल के जो प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। प्रचार प्रसार थम चुका है, सफाई शुरू हो चुकी है लेकिन इस बार इंदौर का मुकाबला अलग ही हो चुका है। देखा जाए 1989 में सबसे पहले सुमित्रा महाजन यहां से चुनाव जीतती हैं। पिछले 35 साल से बीजेपी का इंदौर में दबदबा है, देश का सबसे साफ शहर है। ये लड़ाई कुछ न कुछ दिलचस्प नजर आ रही थी जब शंकर लालवानी के सामने अक्षय कांति बम चुनाव के लिए खड़े होते, क्योंकि शुरुआत में कहा जाता है कि अक्षय कांति बम की कोई पहचान नहीं है और अक्षय कांति बम एक तरफा ये मुकाबला हार जाएंगे। बेशक ये बात कही जा रही थी क्योंकि इस राजनीति में, इंदौर की राजनीति में वो बिल्कुल नए थे लेकिन वो लगातार बीजेपी पे हमलावर थे, लगातार वो बीजेपी को घेर रहे थे। लेकिन इस बीच सब कुछ राजनीति में उलटफेर हो जाता है, अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद एक नई लड़ाई इंदौर में देखने को मिलती है और वो लड़ाई है बीजेपी वर्सेस नोटा। नोटा को लेकर जबरदस्त बड़ा अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपील कर रहे हैं, वही बीजेपी उसके विरोध अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री खुद इंदौर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बहकामे में नहीं जाना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला निर्णय होगा, लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, घरों से निकलिए, मतदान कीजिए और मतदान किसे करना आपको पता है। तो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जो है अब इसी मंच से कही, इशारों में बहुत कुछ बातें उन्होंने कही जो राजनीतिक लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से काफी बड़ी बातें थी। उन्होंने कहा कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है और इस बार इंदौर मतदान में भी नंबर वन बने और यहां इतनी बड़ी जीत बनाए जो विश्व का रिकॉर्ड हो, देश का रिकॉर्ड हो कि किसी लोकतांत्रिक देश में इतना बड़े वोट से, इतनी बड़ी मार्जिन से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इंदौर का मुकाबला काफी दिलचस्प है। नोटा को लेकर पिछले 10 दिनों में कांग्रेस ने एक जबरदस्त माहौल बनाया, जबरदस्त बड़ा अभियान चलाया गया, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता सड़कों पर नजर आए, कभी नोटा चाय पिलाकर, कभी नोटा पोस्टर लगाकर, 2 लाख गाड़ियों में पोस्टर लगाने का भी टारगेट रखा गया, गली मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आए। शायद अगर यही कांग्रेस के कार्यकर्ता, यही कांग्रेस के दिग्गज नेता अक्षय कांति बम के साथ या किसी और प्रत्याशी साथ नजर आते तो ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के साथ होता, ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता। यही शिकायत कांग्रेस की जो अक्षय कांति बम की कि जिस समय वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे उस वक्त किसी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया, कोई उनके साथ तक नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और उन्होंने खुल के बात कही कि जब वो कह रहे थे कि सचिन पायलट की सभा जब पास के लोकसभा में हो सकती है तो इंदौर में क्यों नहीं हो सकती है, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि तमाम चुनाव प्रचार प्रसार की सामग्रियां उन्होंने बूथ स्तर पर बांटने के लिए दिया, तमाम कार्यकर्ताओं को दे दी, कहीं पर वो पोस्टर नजर नहीं आ रहा था, कहीं पर वो गारंटी नजर नहीं आ रही थी। जब भी किसी दिग्गजों का साथ मांगा गया दिग्गजों ने किनारा पल्ला झाड़ लिया, जब वो नामांकन फॉर्म भरने गए तो उनके साथ में सिर्फ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष उनके साथ मौजूद थे, जबकि कुछ ही देर पहले 10 से 15 मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बड़े तमाम वहां पे नेता मौजूद थे, कोई भी उनके साथ नामांकन फॉर्म दाखिल करने नहीं गए। उन्होंने कहा था जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जब उनके नाम की भी घोषणा हुई, नाम की घोषणा होने के बाद 5 दिनों तक वो घर में बैठे, उनका कोई भी कार्यक्रम तय नहीं किया गया, जो कार्यक्रम बनता था उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाता था, इसका जैसे तैसे कार्यक्रम बनता था उसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं होती थी, कोई बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, किसी का साथ नहीं मिल रहा था और मुझे लगा कि शायद इस तरीके से मैं कांग्रेस साथ चुनाव नहीं लड़ सकता हूं, और अगर मैंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के अगर अपने मतदाताओं से वोट लिया तो शायद उनके साथ गद्दारी होगी या कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी।
नहीं होगी, लेकिन इंदौर में मुकाबला बीजेपी वर्सेस नोटा है। शायद अगर कांग्रेस जिस तरीके से अभी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है, शायद पहले नजर आते ये मुकाबला बेहद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत रोमांचक भी होता, चैलेंजिंग भी होता, मजा आता जनता को भी और मजा आता पत्रकारों को भी। मिथिलेश, उज्जैन चलते हैं। अजय, क्योंकि जिस तरह से लगातार न्यूज 18 खबर दिखा रहा है कि क्षिप्रा नदी के को लेकर, सफाई को लेकर सिर्फ बातें होती हैं, धरातल पर बातों का असर नजर नहीं आता है, बातें सिर्फ कागजों तक या कमरों तक ही सीमित रह जाती हैं, और क्षिप्रा नदी उज्जैन में एक बड़ा मुद्दा भी है। आवाज चलेगी सर? ठीक है, अजय पटवा से वापस कनेक्ट करेंगे, उनको उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब चलते हैं सुधीर के पास। सुधीर, रतलाम की बात करें तो रतलाम का जिस तरह से आपने यात्री समीकरण समझाया, तो वहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं एक बार फिर सुर्खियों में आ गए, अपने बयानबाजी को लेकर तो पहले भी चर्चाओं में रहते हैं वो, तो इस बार इस सीट को लेकर जो गहमा गहमी थी वो उनके बयान ने और बढ़ा भी दी थी। जी बिल्कुल, कांतिलाल भूरिया दो दिन पहले सैलाना में कामसभा थी, वहां पर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की मौजूदगी में ये कहते हुए नजर आया कि कांग्रेस पार्टी हर एक महिला को एक एक लाख रुपए देगी, लेकिन जिसकी दो पत्नी है उसको 2 लाख रुपए देगी। तो यही जो इनका बयान था वायरल हो गया, और इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस लगातार उस पूरे मुद्दे पर, इस क्षेत्र में बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिग्विजय अपने भूरिया जी के इस बयान पर सफाई भी देनी पड़ी थी। तो उसके बाद हालांकि दो दिन बाद उन्होंने फिर से जो है अपनी एक सफाई, एक बयान अपने जारी किया यहाँ पर, और कहा कि मैंने ऐसा जो है हास्य विनोद में कह दिया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर एक बार आपके मुंह से कुछ निकल जाता है तो वाकई उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। और जहाँ तक आदिवासी क्षेत्र की बात है तो 5 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं, बड़े नेताओं में कांतिलाल भूरिया की गिनती होती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान अगर वो देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत, मैं कहूँगा, यहाँ पे आ सकती है। तो अभी हालांकि कांटे, बहुत ही कांटे का मुकाबला है, बड़े बड़े नेता इस पूरे रण में नजर आए थे, दिग्विजय सिंह जिनकी आदिवासी अंचल में खासी पकड़ है, इसी के साथ ही जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो भी अलीराजपुर और झाबुआ में डेरा डाले हुए थे। वही भाजपा की ओर से 3-3 मंत्री यहाँ पे उतारे गए थे, कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप, निर्मला भूरिया और नागर सिंह चौहान खुद, जिनकी पत्नी यहाँ पर मैदान संभाल रही है। तो बेहद रोचक मुकाबला बीजेपी के 3-3 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पे, साथ ही साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर कांतिलाल भूरिया की प्रतिष्ठा यहाँ पे आमने सामने नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अब जो देखने वाली बात है कि जयस का पलड़ा किस ओर झुकता है, क्योंकि जयस के एक विधायक है रतलाम के सैलाना सीट पे, कमलेश्वर डोडियार में कुछ दिन पहले ही कह चुके थे, हालांकि इस पूरे चुनाव में कहीं वो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने पहले ये कहा था कि इस बार बीजेपी को हराना है। यानी आप समझ सकते हैं कि सैलाना एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, जयस का, अगर जयस का वोट भी अगर टर्न होता है कांग्रेस की तरफ तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। हालांकि सभी कुछ इस सीट के ऊपर चल सकता है कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, 2014 में बीजेपी ने खाता खोला, निर्भर करता है। सुधीर, अजय पटवा भी जुड़ गया, अजय आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी अजय, उज्जैन में रहते हुए क्षिप्रा नदी की क्या स्थिति है वो न्यूज 18 के जरिए आप प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं, और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का असर भी होता है, लेकिन नेताओं पर असर नहीं होता, वादे हर बार करते हैं लेकिन वादे पूरे नहीं करते, और जब उन पर ठीकरा फोड़ जाता है इस बात का तो वो बड़े प्यार से इस बात को सहर्ष स्वीकार भी कर लेते हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, क्या ये मुद्दा इस बार भी उतना ही हावी है? जी देखिए, जिस तरीके से क्षिप्रा नदी जो लगातार मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि हर बार चुनाव आते हैं तो नेता आते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन साधु संत और जो श्रद्धालु आते हैं कहीं ना कहीं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में देखने में आता है कि 2016 का सिंहस्थ हो या फिर 2004 का सिंहस्थ हो, उस दौरान भी जो है पानी को, जो गंदा पानी मिल रहा था उनको ड्रेनेज लाइन के जरिए अलग से उसको शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों तक ये योजना धरातल पर रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो है वापस वो नाले क्षिप्रा में मिलने लग जाते हैं, पानी गंदा होने लग जाता है, जिससे क्योंकि क्षिप्रा में जो है बहता हुआ पानी नहीं है, जिसके कारण ये समस्या पैदा होती है, क्योंकि पानी रुका हुआ रहता है तो जिसमें गंदे नाले मिलने के कारण पानी काला पड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिसके कारण लगातार मछलियां मरती है। हमने कल भी दिखाया था कि जिस तरीके से मछलियां मरी हैं सैकड़ों की संख्या में, और इसके बाद हमने जब खबर चलाई तो नगर निगम हरकत में आया और इसके बाद वहां से घाटों की सफाई की, लेकिन
यहाँ पर ज्ञानदास महाराज है, वो एक साल तक उन्होंने अनशन करा, भूखे प्यासे रहे और शिप्रा को लेकर वो लगातार अनशन करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन ने उसको आश्वासन ही दिया। लेकिन अब देखना ये है कि क्योंकि 2028 में सिंहस्थ का मेला लगने वाला है, या करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, साधु संतों का डेरा लगेगा, ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार जो है इस शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयास करती है, क्योंकि करोड़ों रुपए की योजना बनाई गई है। इस तरीके से इंदौर, उज्जैन, देवास तीनों कलेक्टरों को आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जरिए कि जो खान नदी का नाला जो इसमें मिल रहा है उसको कैसे अलग किया जाए, उसके लिए क्या योजना बनाई जाए, ताकि जो बार बार समस्या पैदा हो रही है उसको कैसे निपटा जा सके, ताकि आम जनता के साथ खिलवाड़ भी ना हो और ऐसे में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी आस्था भी बनी रहे। जी बिल्कुल सही बात आपने कही यहाँ पर। और मिथिलेश एक और बात यहाँ पर, जिस तरह से आपने कांग्रेस की आक्रामकता का जिक्र किया था कि नोटा को लेकर जितना कांग्रेस एग्रेसिवली अब कैंपेनिंग कर रही है, अब मेहनत कर रही है जमीन पर, उतना पहले की होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन क्या कांग्रेस की आक्रामकता ही ये वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय को आगे आकर और मोहन भागवत के बयान को भी यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ा कि भाई नोटा को अगर आप वोट देंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो पहले ही दावा कर चुके हैं कि 8 लाख से भी बड़ा अंतर रहेगा इंदौर में जीत का। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि यही वजह है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो फिर कांग्रेस पिछले 10 दिनों से नोटा के समर्थन में बहुत तेजी से अभियान चला रही थी, यानी नोटा के अलग अलग अभियान देखने को मिल रहे थे, कांग्रेस के एग्रेसिव मोड में आक्रामक तरीके से अभियान चलाया जा रहा था। इसलिए बीजेपी के भी तमाम दिग्गज मैदान में उतरे और उन्होंने नोटा के विरोध में अपनी बात रखी, जनता के सामने उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर आपने नोटा को अपना समर्थन दिया तो आपका वोट जाया जाएगा, आप जिस भी पार्टी को चुने, 14 निर्दलीय भी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में, आप किसी न किसी प्रत्याशी को चुन सकते हैं। कहीं ना कहीं और मुख्यमंत्री ने भी अपनी बातें रखी कि गारंटी पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो अल बीजेपी ने अपनी गारंटी जताई, गारंटी बीजेपी ने यह भी कहा कि अगर आप नोटा को समर्थन देते हैं तो यह कानूनी अपराध की भी श्रेणी में आता है, लोकतंत्र को कमजोर करने की श्रेणी में भी आता है। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो दिग्गज लोग हैं सभी लोग इंदौर पहुंचते हैं और इंदौर में उन्होंने खुलकर जनता के सामने अपनी बात रखी, प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी, जमीन पर उतर के बीजेपी ने अपनी बात रखी, राजवाड़ा पे मानव श्रृंखला लाया गया, लोगों को समझाया गया, तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला बीजेपी और नोटा के बीच में कड़ा होता हुआ दिख रहा था। इसलिए कांग्रेस के सामने बीजेपी भी मैदान पर तेजी से उतरी और ये लड़ाई जो है बड़ी लड़ती हुई भी दिखाई दी। फिलहाल लेकिन इंदौर की बात की जाए तो इस बार देश में इंदौर की चर्चा तो हो रही है, इस बार इंदौर की चर्चा स्वच्छता के लिए नहीं हो रही है, इस बार इंदौर की चर्चा हो रही है नोटा को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा पर बटन दब जाए या सबसे ज्यादा जो नोटा है उसका रिकॉर्ड इंदौर कहीं नहीं बना ले, ये प्रशासन के लिए बड़ी चिंता है, ये बीजेपी के लिए भी चिंता है, क्योंकि बीजेपी भी कभी ये नहीं चाहती है कि रिकॉर्ड में या रिकॉर्ड के उस पन्नों में इंदौर का नाम दर्ज हो जहां पर सबसे ज्यादा नोटा का उपयोग किया गया। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसीलिए अब जितनी एग्रेसिवली कांग्रेस नोटा को लेकर कैंपेनिंग कर रही है उतना एग्रेसिवली बीजेपी भी ये कह रही है कि देखिए नोटा को जवाब नहीं है। बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका, सुधीर और विवेक आपका भी बहुत बहुत, अजय पटवा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। और लगातार हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि इस तरह सियासी समीकरण जो बने हुए हैं लोकसभा के चौथे और आखिरी चरण के लिए इन 8 सीटों पर बने हुए हैं। खबरें लगातार जारी है, यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।